ओके बेटे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो मैंने अभी आप लोगों को रिवाइज करवा दी थी कि सॉल्युबिलिटी मीन्स द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखें बेटा, यहाँ पर हमने एक चीज जो है वो नोट डाउन ये करनी है कि जो सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये जो सॉल्यूट्स हैं इन्होंने सॉल्वेंट में कितनी क्वांटिटी में डिजोल्व होना है। जारी बात है, हर सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट अमाउंट में डिजोल्व होगा, किसी की भी अमाउंट सेम नहीं होगी। यानी कि अगर हम बात करें सॉल्ट की तो सॉल्ट किसी और वे में डिजोल्व होगा, अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर की अमाउंट कुछ और होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हर सॉल्यूट है वो सॉल्यूट एक प्रॉपरली, ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग टू देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो डिफरेंटली डिजोल्व होते हैं, सबकी अमाउंट एक जैसी नहीं है। मतलब कि अगर आपने 100 ग्राम वाटर ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम शुगर डिजोल्व हुई है तो उसमें 20 ग्राम सॉल्ट ही डिजोल्व होगा। हो सकता है सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व हो जाए जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो ये बेटा कहने का मतलब है यहाँ पर कि जितना भी बेटा 100 ग्राम जो वाटर है, डेफिनेटली सामने अलमारी में ना, इसमें अलमारी में इस साइड पे देखिएगा पड़े, इसी रूम में, इसी रूम में, मतलब तो जी बच्चे, अब नॉर्मली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो सोलबिलिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। मींस के व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द सोलबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं जिनकी सोलबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर चेंज हो जाती है। मसलन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी चेंज हो जाएगी, सोलबिलिटी डिफर करेगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है बेटा कि जो टेम्परेचर है ये सॉल्यूट के ऊपर उनकी सॉल्युबिलिटी पर डिफरेंट वे में असर कर रहा होता है। जैसे कि अभी हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं बेटा उन्हें डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं। देखें बेटा, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी, हीट एब्जॉर्ब होती है। मसलन देखिए बेटा, हमारे पास जो है ना कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं कि इन सॉल्यूट्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो ये वाटर में डिसॉल्व होने पर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है और सॉल्यूट है इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिल्ड करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, यानी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली हीट जो है वो क्यों चाहिए, इसकी वजह ये है बेटा क्योंकि हीट सॉल्यूट और वाटर के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिल्ड करेगी। अब यहां पर एक छोटी सी टर्म हम पहले डिस्कस करेंगे और वो है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट होते हुए हीट एब्जॉर्ब होती है बेटे, ठीक है ना, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक का नाम देंगे, ठीक है। तो हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है बेटे तो उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व होने पर बेटा बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि वो कौन कौन से हमारे पास जो हैं वो बेटा सॉल्यूट्स हैं जिसमें बेटा हमारे पास है KCl, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा सोडियम नाइट्रेट है आपके पास, NaNO3, ये ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, दे हैव वेरी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, दे हैव वेरी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब जब आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेटा वाटर में डिसॉल्व करने पर ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी के ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो वाटर के साथ नई अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिल्ड करने को तैयार नहीं होते, यानी दे आर नॉट रेडी टू मेक अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस विद वाटर, दे हैव वेरी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, इसलिए ये एक दूसरे से जल्दी सेपरेट नहीं होते।
तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वही हीट इन मॉलिक्यूल्स को, इन सॉल्यूट पार्टिकल्स को देकर इन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यानी के जो हीट वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं यही हीट इस्तेमाल की जाती है टू सेपरेट पोटेशियम फ्रॉम क्लोराइड एंड सोडियम फ्रॉम नाइट्रेट। भाई सोडियम को नाइट्रेट से सेपरेट करने के लिए और पोटेशियम को क्लोराइड से सेपरेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है बेटे, और वही हीट इनको सेपरेट करेगी। जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनको आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, लाइक पोटेशियम आयन। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ क्लोराइड आयन की, तो नाउ दे आर इजिली अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब ये सेपरेट हो जाएंगे। अगर ये सेपरेट नहीं होते तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जब तक मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होंगे तब तक वो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, दे नेवर डिजोल्व इन वाटर इफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। तो इसलिए एक तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल इस हीट को इस्तेमाल करेंगे टू सेपरेट पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू मेक डैम डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ताकि ये वाटर में डिजोल्व हो सके। अब इन तमाम पर्पज के लिए, अब इन तमाम चीजों के लिए जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। जी बच्चे, यहां तक कोई बात पूछनी है या कोई चीज है तो वो आप मुझसे पूछ लें। सो अब हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हीट इज गिवन आउट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। हीट इज गिवन आउट। ठीक है, देखें बेटा इसमें जो हीट है ना ये बेटा बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब हीट इज गिवन आउट का मतलब क्या है, ये हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको अगर आप पानी में डिजोल्व करें और हीट देंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और हाँ एक और बात बेटे, कि जो यहाँ पर ये वाले जो सॉल्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, इन सॉल्ट्स को अगर आप हीट करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये मजीद ज्यादा डिजोल्व होंगे वाटर के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप इसे हीट करेंगे ना तो वही हीट इनको आपस में सेपरेट करेगी, जितना ज्यादा सेपरेट होंगे उतना वाटर में डिजोल्व होते चले जाएंगे। तो ऐसे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रही है। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पर हम देखेंगे कि बेटा जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं ये ऐसे हैं जिनको डिजोल्व करने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप हीट करेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको बेटा, लिथियम सल्फेट। ठीक है बेटा, Li2SO4 इसका फॉर्मूला है लिथियम सल्फेट। और बेटा हमारे पास फर्दर एग्जांपल है एक, वो है सीजियम सल्फेट। सीजियम का फॉर्मूला होता है Se, ठीक है, सॉरी 2, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि रेडिकल है हमारे पास SO4, और बेटा यहां पर आएगा 3, क्योंकि सीजियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए क्रॉस एक्सचेंज में सीजियम सल्फेट बन जाएगा Se2SO4 थ्राइस। अब देखो बेटा ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ नहीं रहना पसंद कर रहे। ठीक है, यानी कि लिथियम इज नॉट रेडी टू लिव विद सल्फेट आयन। सिमिलरली सल्फेट आयन आल्सो वांट टू सेपरेट फ्रॉम लिथियम। लिथियम भी सेपरेट होना चाह रहा है और सल्फेट भी सेपरेट होना चाह रहा है ऑलरेडी, मींस के इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है। सीजियम सेम, इट ऑल्सो वॉन्ट टू सेपरेट फ्रॉम द सल्फेट एंड सल्फेट ऑल्सो वॉन्ट टू सेपरेट फ्रॉम सीजियम, दे ऑल्सो हैव वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन जब आप ऐसे सॉल्ट को वॉटर में डिजोल्व करेंगे तो बेटा वॉटर में डिजोल्व होने पर जैसे ही इन्हें वॉटर मिलेगा तो लिथियम खुद ही सल्फेट से सेपरेट हो जाएगा और सल्फेट भी खुद ही बेटा लिथियम से सेपरेट हो जाएगा। ओके, मीन्स कि ये दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं खुद ब खुद। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो जारी बात है कि वाटर के साथ नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड हो जाएंगी और वाटर इनको डिसॉल्व कर लेगा।
अब सीधी सी बात है बेटा कि लिथियम और सल्फेट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। लिथियम और सल्फेट दोनों ही एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, सेपरेट। अब इन्हें सेपरेट करने के लिए वाटर को हीट देने की जरूरत नहीं थी। लिथियम पहले ही सेपरेट होना चाह रहा था, सल्फेट भी पहले सेपरेट होना चाह रहा था। जैसे ही आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अपने बॉन्ड्स खुद ही तोड़ देंगे, ठीक है। जब ये अपने बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो बेटा उसके टूटने से ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट। और जब ये हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वही हीट उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा देगी, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देगी जिस जगह पर ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट प्रोड्यूस हो और कंटेनर का टेम्परेचर भी बढ़ जाए, हम ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी कि दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे बेटे। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज गिवन आउट मीन्स कि लिथियम एंड सल्फेट इज गोइंग टू सेपरेट ऑलरेडी फ्रॉम वन अनदर एंड दे विल रिलीज द हीट। हीट को प्रोड्यूस करेंगे और बेटा ये इजिली वाटर के साथ नई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बना लेंगे और डिजोल्व हो जाएंगे। अगर अब आपने इस सोल्यूशन को हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा कि लिथियम और सल्फेट के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो तो वीक है, लेकिन जो इनकी नई फोर्सेस वाटर के साथ बिल्ड हुई है, जब आप इन्हें हीट करेंगे ना फर्दर, यानी कि आपने इनको हीट करना शुरू कर दिया, तो वो हीट इनकी इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना शुरू कर देगी, जिससे इन्हें मजबूरन फिर से आपस में मिलकर क्या बनाना पड़ जाएगा, लिथियम सल्फेट। इसलिए ऐसे सोल्यूट्स की सोलुबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है। ओके बेटे, तो ये हमारा पोर्शन था, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अब इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जिनका टेम्परेचर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। मीन्स कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी और टेम्परेचर कम करेंगे तो भी इनका सोलबिलिटी पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट हमारे पास है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बेटा वो सॉल्ट है जिसको आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो ना ही कंटेनर का टेम्परेचर कम होगा और ना ही कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट है जिसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया और टेम्परेचर जो है वो इनकी सोलबिलिटी पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं करेगा। अंदर वाले पोर्शन जी बच्चे, तो अब मैं इसको यहीं पे रीडिंग करके ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें बेटा, ये हमारे पास है नो चेंज इन द हीट। वो कहता है कि इन सम केसेस ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन प्रोसेस नीदर द हीट इज अब्सॉर्ब्ड और नॉट रिलीज। व्हेन अ सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर द सॉल्यूशन टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। इन सच केसेस टेम्परेचर हैज अ मिनिमम इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी, जो कि बेटा इग्नोर किया जा सकता है, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो एक अब वो आपको आगे कह रहा है कि जी ये ग्राफ है हमारे पास जिसके अंदर आपको इनका जो है ना वो इम्पैक्ट दिखाया गया है। अगर आप बेटा इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको आइडिया हो रहा होगा कि जैसे ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये ब्लू कलर की लाइन होगी आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो देखें इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर एक माइनर सा इम्पैक्ट हुआ है। मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल 32 ग्राम डिजोल्व हुआ है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 34 ग्राम उसने डिजोल्व कर लिया होगा, इससे ज्यादा इस पर असर नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप बात करो तो बेटा जो आपके पास है टेम्परेचर KCl, ठीक है, तो आप देखें KCl जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 या 25 ग्राम डिजोल्व हुआ है, लेकिन जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं तो यही टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 60 ग्राम के करीब जो है वो डिजोल्व हो गया है। मीन्स के सोलबिलिटी इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट आप देख लें, पोटेशियम नाइट्रेट जो ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सोलबिलिटी जो है ऑलमोस्ट 12 ग्राम होगी, लेकिन अगर आप देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये 100 ग्राम से भी ज्यादा डिजोल्व हो गया है। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये उतना ज्यादा डिजोल्व होता चला जाएगा। इसी तरह अगर आप सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो वो भी बेटा आपके सामने देखें टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। और हमारे पास जो सीजियम सल्फेट आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो तकरीबन 20 ग्राम डिजोल्व हुआ है, लेकिन 100 ग्राम पर तकरीबन वो
दो या तीन ग्राम डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, जो डिसॉल्व हुआ हुआ था, नाउ इट इज गोइंग टू अगेन बिकम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड इन सॉल्युबल फॉर्म। तो ये बेटा ग्राफ आपको ये शो कर रहा है, इस ग्राफ को आपको लॉन्ग कैटेगरी में बनाना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग कैटेगरी में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी बेटा, तो ये पैराग्राफ आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको इस सेम हेडिंग एज इट इज ही बनेगी, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब के अंदर आपको बेटा ये पैराग्राफ एज इट इज आएंगे, ओके, इनके अंदर कोई हेडिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपके पास हीट इज गिवन आउट, इसमें भी ये दो पैराग्राफ्स हैं, एज इट इज लिखिएगा और हीट नो चेंज इन हीट एज इट इज आप मेंशन कर देंगे, और बेटा लास्ट पे आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।